राजधानी दिल्ली में निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। इसी क्रम में यूनियन अध्यक्ष मुकेश वैद्य के साथ निगम कर्मचारियों ने निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ EDMC मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में निगम के हर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने प्रदूषण के चलते निगम आयुक्त का पुतला नहीं जलाया, बल्कि निगम कर्मियों ने पुतले को जूते से पीटा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कई बार निगम में फैले भ्रष्टाचार पर निगम आयुक्त को घेरा है, लेकिन निगम का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, जिससे निगम कर्मचारी भी परेशान हैं। हमारे यूनियन हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इनकी वजह से हमारे कर्मचारियों का काम नहीं हो पा रहे। इनकी भ्रष्टाचारी इनका पेट नहीं भरता भ्रष्टाचार से, और ये सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहते हैं, कर्मचारियों की मांग डिमांड और उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते। आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारी दिल्ली के अंदर 40,000 कर्मचारी के लगभग है, लेकिन 20,000 कर्मचारी अधिकारियों के, निगम पार्षदों के घरों पर, और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इनके अंदर इनकी ड्राइवरी करना, इनके घरों के झाड़ू पोछे करना, 50% कर्मचारी इन्होंने अपने घरों पर लगाया हुआ है। हमारी यही लड़ाई है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि दिल्ली में सफाई नहीं हो पाती, और दूसरी तरफ तुम उन्हें सफाई कर्मचारी अपने घरों में अपनी गाड़ी चलाने पर लगा रखा, अपने घरों की सफाई में लगा रखा, तो दिल्ली में सफाई कहाँ से होगी।